गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल प्रिंसेस लाइफ। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन बहुत ही अमेजिंग सी कलेक्शन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। और साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिंसेस लाइफ 2020। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की हॉल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। मैं ऑलमोस्ट डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो अगर आप लोग को हॉल वीडियोस देखना पसंद है तो ये चैनल बिल्कुल आपके मतलब का है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप कुछ मेरे से परचेज करना चाहते हैं, मेरे वीडियोस में जो भी मैं ड्रेसेस दिखाती हूँ आप परचेज करना चाहते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगी, कम प्राइस में आपको दे दूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ब्यूटीफुल से ड्रेस का। तो यहाँ पे ये मुझे रिसीव हुई है 1274 रुपीज में। तो प्राइस की बात करें तो प्राइस काफी अच्छा है, मतलब काफी अफोर्डेबल प्राइस है। और इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो साइज फ्री साइज है, एंड इसमें जो कलर है वो पीच कलर है। तो चलो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह का है, मतलब किस तरह की ड्रेस है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। पैकेज भी अच्छी है मीशो से, मतलब ऑलमोस्ट आपको पैकेजिंग बहुत अच्छी आती है। हाँ, तो मैं फर्स्टली एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर ये ड्रेस आप देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो या फिर आने वाली होगी या आ चुकी होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये ड्रेस है, इसका हॉल जरूर देखना, आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल सी गाउन है और मुझे बहुत पसंद आया है। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को देख लेना, या तो आ चुकी होगी या आने वाली होगी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी ड्रेस की। तो ये जो ड्रेस है ये मैंने परचेज की है मीशो से। तो चलो ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह की ड्रेस होने वाली है। तो ये ना कुछ स्कर्ट के साथ आपको ऊपर ड्रेस मिलती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, आपको तब पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ पीच कलर में जॉर्जेट फैब्रिक में आपको ये ड्रेस मिलती है। फ्रंट में आपको इस तरह का राउंड नेक मिलता है, एंड नेक के नीचे आपको इस तरह से बटन की कुछ इस तरह की डिटेलिंग मिलती है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की डिटेलिंग है। एंड ऊपर वाला पोर्शन यहाँ तक प्लेन है। और यहाँ पे जो आपको स्लीव्स मिलती हैं, फुल स्लीव्स मिलती हैं, और यहाँ पे आपको मिरर वर्क मिलता है। एंड इसके नीचे लाइनिंग नहीं है स्लीव्स के नीचे, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और स्लीव्स पे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह की डिटेलिंग दी हुई है, थोड़ा सा डिफरेंट सा स्टाइल है ये, कुछ इस तरह की डिटेलिंग दी हुई है। एंड इसके नीचे स्लीव्स के नीचे आपको लाइनिंग नहीं मिलती है, तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आपको इतना ये प्लेन मिलता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे अगर ध्यान से तो ना गोल्डन कलर की लाइन्स है ना वो किया हुआ है, हल्की हल्की सी लाइन्स है गोल्डन कलर की, आपको ध्यान से अगर देखोगे तो पता चल जाएगा। एंड अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको यहाँ तक तो इस तरह की डिटेलिंग थी, एंड इसके नीचे आपको इस तरह से कट मिलता है, कुछ इस तरह से फ्रंट में आपको कट मिलता है। एंड इसके नीचे लाइनिंग नहीं है, लाइनिंग है वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे है, और ये कट के नीचे आपको कोई लाइनिंग नहीं मिलती है, इस तरह का कुछ कट है। एंड इस तरह का कुछ फ्लेयर है, आप देख सकते हो इतना कुछ बहुत ही अच्छा सा फ्लेयर है। एंड कट के पास, अब कट की तरफ नीचे की तरफ हम आते हैं, तो जो नीचे घेर है वहां पे आपको प्रॉपर मिरर वर्क मिलता है, हैवी सा मिरर वर्क मिलता है पूरे फ्लेयर पे, जो नीचे श्रग, ये जो ऊपर वाली जो ड्रेस का जो फ्लेयर है वहां पे आपको पूरे पे मिरर वर्क मिलता है। जब मैं पहन के दिखाऊंगी ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, मैं मॉडल की इमेज भी आपको दे दूंगी तो आपको समझ आएगा किस तरह का है ये। कुछ इस तरह का आपको नीचे प्रॉपर मिरर वर्क मिलता है, पीछे की तरफ आपको पूरा मिरर वर्क मिलता है। और जो ये इसमें मिरर यूज किए गए हैं वो पेपर मिरर हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरह की ड्रेस है, कुछ इस तरह का। ये ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आपको फ्लेयर पे इतना अच्छा मिरर वर्क मिलता है, बहुत ही अच्छा हैवी लुक देता है ये। एंड इसके नीचे ना आपको लाइनिंग, इसके नीचे आपको स्कर्ट मिलती है, आप देख सकते हो पीच कलर की ही स्कर्ट है, स्कर्ट का फ्लेयर काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे आपको ना कुछ इस तरह के गोल्डन में ना आपको ये कुछ इस तरह के पैटर्न मिलता है, आप देख सकते हो गोल्डन सी थ्रेड में आपको इस तरह के कपड़े में ही कुछ इस तरह का फैब्रिक आपको स्कर्ट के लिए मिलता है, आप देख सकते हो। एंड स्कर्ट की ना नीचे लाइनिंग बहुत अच्छी दी हुई है, कॉटन की लाइनिंग दी हुई है, इलास्टिक काफी अच्छी है, पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लगने वाला है। प्राइस के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है, आप आने वाले फेस्टिवल्स में इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था इसका स्कर्ट, एंड बहुत ही अच्छी स्कर्ट है, फिटिंग मुझे बहुत अच्छी आई इसकी।
अकॉर्डिंग टू प्राइस भी बहुत अच्छा है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा इसका। तो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि ट्राई करने के बाद कैसी लगती है। तो गाइज मैंने आपको ट्राई करके दिखा दी है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ना मैंने साड़ी परचेज की है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर है बट इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। मुझे 2198 रुपीज में रिसीव हुई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैकेजिंग किस तरह की है। पैकेजिंग तो सिंपल सी है, कुछ इस तरह की पॉलिथीन में जस्ट आई है ये, तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ। हम इसके ब्लाउज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ना कुछ इस तरह का नेक में ब्लाउज मिलता है, नेक विद सीक्वेंस। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में राउंड नेक मिलता है एंड बैक साइड पे भी कुछ इस तरह का वर्क है, एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के सीक्वेंस मिलते हैं, एंड इस तरह की स्लीव्स है इसमें, स्लीव्स काफी अच्छी है इसकी, एंड इस तरह का फुल सीक्वेंस में आपको ये ब्लाउज मिलता है। यहाँ पे आपको कप्स भी मिलते हैं, इसकी स्टिचिंग भी, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है कप्स की, आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छे से फिट किए हुए हैं, तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी आपको। और साइड में आपको यहाँ पे जिप भी मिलती है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है मीशो से, नहीं तो कई ब्लाउज आते हैं ना उसमें आपको कुछ इन्होंने दिया होता है, हुक दिया होता है, कुछ भी नहीं दिया होता, और ना ही उन्होंने जस्ट स्टिच करके आपको दे देते हैं कि आपको खुद लगाना पड़ता है। बट इसमें बहुत अच्छा है कि आपको यहाँ पे प्रॉपर उसके साथ जिपर के साथ मिल रहा है, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ब्लाउज है, ब्लाउज जब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्टाइलिश सा ब्लाउज दिया है। नेट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जैसा है ये नेट की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं साड़ी की। तो साड़ी यहाँ पे आपको स्टिच साड़ी मिलती है, तो पहनने की भी कोई टेंशन नहीं है। तो आप किसी फंक्शन में जाते हैं जैसे मेरे जैसे हैं, मुझे साड़ी इतनी अच्छे से आती ही नहीं है डालनी, तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि साड़ी स्टिच हो तो मैं इजीली डाल लेती हूँ, अदरवाइज अगर मुझे पहननी पड़े तो वो तो साड़ियाँ पड़ी रहती हैं, जो अनस्टिच होती है मेरे से नहीं डाली जाती। तो जिन लोगों को साड़ी पहननी नहीं आती वो जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ना ये स्टिच साड़ी मिलती है रफल्स वाली, एंड इसका कलर डार्क पर्पल कलर आप देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल कलर है, कुछ डार्क पर्पल कलर में आपको साड़ी मिलती है, एंड देख सकते हो इसकी क्वालिटी बहुत सुपर क्वालिटी में है ये, आप देख सकते हो। और जब मैं पहन के दिखाऊंगी ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेट्स ऑलरेडी बनी बनाई मिलती हैं, यहाँ पे आपको ना कुछ इस तरह के एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे इलास्टिक लगी होती है, और यहाँ पे आपको हुक्स मिलते हैं, तो जिसमें बस आपने फंसाया और साड़ी पहन ली। तो मैं आपको साइड में दे दूंगी कि मैंने कैसी पहनने के बाद ये कैसी लगती है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, इसकी लेंथ एंड विड्थ दोनों ही बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप किसी फंक्शन में जैसे कि किसी के एंगेजमेंट फंक्शन है, या किसी का लेडी संगीत फंक्शन है, मैरिज फंक्शन है, तो उसमें आप इसको इजिली वेयर कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा प्राइस है, बट बहुत ही ज्यादा अच्छी साड़ी है, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत सुंदर साड़ी है ये, बहुत अच्छी लगी। एक तो इसका ब्लाउज स्टिच मिलता है आपको, अदरवाइज आप कोई साड़ी लेते हैं ब्लाउज के ही आपको 1000 रुपीज स्टिचिंग देने पड़ते हैं, बट यहाँ पे आपको स्टिच ब्लाउज मिलता है, बहुत अच्छा है, रेडी टू वेयर है, 5 मिनट में आप साड़ी पहन सकते हैं और स्टाइलिश दिख सकते हैं साड़ी में, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। प्राइस थोड़ा ज्यादा है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो चलो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा पहनने के बाद कैसी लगती है। मैंने आपको पहन के दिखा दी है, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, और मैं आप लोग को हाईली रेकमेंड करूंगी अगर आप परचेज करना चाहते हैं। कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैंने मीशो से क्या परचेज किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अगेन एक कुर्ता सेट परचेज किया है। तो फर्स्टली हम इसके प्राइस की बात कर ले, तो ये मुझे थोड़ा
ये मुझे 1633 रुपीज़ में 1633 रुपीज़ में मुझे रिसीव हुआ है। इसमें जो इसमें लिखा हुआ है सेमी स्टिच, तो देखते हैं कि सेमी स्टिच है या स्टिच है। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। तो ये कुछ पिस्ता ग्रीन कलर का ये मुझे रिसीव हुआ है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। तो चलो ओपन कर लेते हैं। धोती स्टाइल में सूट होने वाला है। मैं साइड में आपको इमेज दे देती हूँ मॉडल की, इमेज दे देती हूँ मॉडल की, तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह का है ये। तो अगेन इसमें जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट फैब्रिक में है। तो चलो मैं पहले आपको ऊपर वाली कुर्ती दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की कुर्ती मुझे रिसीव हुई है। ये कुछ पेपलम टाइप में है एंड यहाँ पे आपको राउंड नेक मिलता है, बैक साइड पे भी आपको राउंड नेक मिलता है, और यहाँ पे आपको ना मल्टी कलर्स में आपको थ्रेड वर्क मिलता है। देख सकते हो थ्रेड वर्क है इसमें, कोई सीक्वेंस वर्क नहीं है, जस्ट थ्रेड वर्क है इसमें आपको पूरे इसमें पेपलम टाइप ये जो कुर्ती है ऊपर वाली उसपे, बट नीचे की तरफ आपको ना सीक्वेंस वर्क भी मिलता है। आप देख सकते हो मल्टी कलर का थ्रेड वर्क है एंड उसके साथ आउटलाइनिंग जो है वो सीक्वेंस वर्क से की गई है। इसमें आपको जो लाइनिंग मिलती है ये सिर्फ ऊपर वाले पार्ट तक है, सिर्फ यहाँ तक, इसके नीचे आपको लाइनिंग नहीं मिलती है। एंड बैक साइड पे भी आपको फुल वर्क मिलता है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा वर्क है। एंड बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों साइड आपको फुल वर्क मिलता है, तो कुछ इस तरह का वर्क है। एंड नीचे की तरफ आपको बहुत ही अच्छा सा फ्लेयर मिल जाता है, बहुत अच्छा फ्लेयर है इसका। एंड जो नीचे इसका बॉर्डर है वहां पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का कट वर्क में लेस लगी हुई है, लेस बहुत ही ब्यूटीफुल लगी हुई है आपको ये चारों, तो मतलब पूरे फ्लेयर पे मिल जाती है। तो आपको गोल्डन कलर की बहुत सुंदर सी लेस लगा रखी है, बहुत अच्छी लग रही है इसकी क्वालिटी भी। एंड इसके नीचे लाइनिंग आपको दिखाई थी मैंने, आई थिंक नहीं दिखाई थी, देख लो लाइनिंग बहुत अच्छी दी हुई है, लाइनिंग बहुत ही सॉफ्ट सी है। एंड ये आपको कट स्लीव्स में मिलता है, हाँ ये आपको कट स्लीव में मिलता है, इसके नीचे आपको स्लीव्स का कपड़ा नहीं मिलता है इसमें आपको। तो ये कुछ इस तरह का इसका ऊपर वाला कुर्ती है पेपलम टाइप में। तो ये थोड़ा सा ना स्टाइलिश एंड डिजाइनर सा पीस है कम बजट में। अगर आपका बजट कम है और आप स्टाइलिश डिजाइनर पीस लेना चाहते हैं तो आप मीशो से ले सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का इसकी कुर्ती थी। अब बात कर लेते हैं इसके नीचे जो सलवार है, वैसे इसमें सेमी स्टिच लिखा था बट ये तो स्टिच रिसीव हुई है, तो मीशो से ऐसा होता है कई बार ही सेमी स्टिच लिखा होता है बट वो आपको स्टिच मिलता है। तो चलो अब इसके बॉटम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ना कुछ धोती स्टाइल में सलवार मिलती है इसके नीचे, तो आप देख सकते हो आपको फ्रंट में भी इस तरह से प्लेट्स मिलती हैं एंड बैक साइड पे भी आपको प्लेट्स मिलती है। एक्चुअली जो धोती स्टाइल जो सूट्स होते हैं, धोती स्टाइल जो सलवार होती है उसमें दोनों तरफ प्लेट्स होते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से इलास्टिक मिलती है, बहुत ही अच्छी सी इलास्टिक है एंड इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी की हुई है। और आपको जो नीचे वाला जो धोती सलवार है, पूरी सलवार पे आपको लाइनिंग दी हुई है, ये जॉर्जेट फैब्रिक में है इसलिए इन्होंने पूरी सलवार पे लाइनिंग दी हुई है एंड लाइनिंग का कपड़ा बहुत सॉफ्ट है एंड इसकी फिनिशिंग एंड क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। नीचे की तरफ आप देख सकते हो इस तरह से इसके इस तरह से यहाँ पे आपके इसके जो पोचे कहते हैं वो कुछ इस तरह के हैं, बट इस तरह के स्टाइल धोती स्टाइल में है ये, बहुत ब्यूटीफुल सा सलवार लग रही है। मैंने आज तक कभी इस तरह के सूट को स्टाइल नहीं किया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह के धोती वाले सूट को ट्राई किया है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो यहाँ पे आपको इसके साथ दुपट्टा भी मिलता है, मैंने स्लीव्स का कपड़ा दिया हुआ है, एक्चुअली दुपट्टे के अंदर ही था, तो मुझे लगा मैंने सूट में चेक किया तो मुझे लगा सूट में है नहीं, तो इसमें से इसके साथ स्लीव्स का कपड़ा इसके साथ नहीं है, बट इन्होंने अलग से स्लीव्स का कपड़ा दिया हुआ है तो आप इसको स्लीव्स पे लगवा सकते हैं। तो अब इसके साथ बात करते हैं दुपट्टे की। दुपट्टा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको कटवर्क वाली लेस मिलती है पूरे दुपट्टे पे, आप देख सकते हो पूरे दुपट्टे पे आपको कटवर्क वाली लेस मिलती है, आप देख सकते लेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सा दुपट्टा है। एक्चुअली इसका कलर भी बहुत अच्छा है, इसमें ना और भी कलर्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको एक लाइट ऑरेंज कलर था एंड लाइट पिंक कलर था, मतलब बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको पिस्ता कलर पसंद नहीं है तो आप और कोई कलर ले सकते हैं। दुपट्टे की लेंथ एंड विड्थ बहुत अच्छी है, जॉर्जेट फैब्रिक में ये दुपट्टा है। मुझे तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं ना, आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये डिजाइनर सा पीस है,
आप काफी अफोर्डेबल भी है, आप इसको मैरिज फंक्शन के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छा लगेगा किसी मैरिज फंक्शन में अगर आप इसको वेयर करके जाएंगे, एंड एट द सेम टाइम बहुत डिजाइनर पीस भी लगेगा और किसी को लगेगा नहीं कि आपने मीशो से लिया है, बहुत अच्छा लगेगा ये। तो आप अगर आपको ये पसंद आता है, आप इसको परचेज करना चाहते हैं ना, तो मेरा कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। कोई भी ड्रेस परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ पे आपको सबके कोड मिल जाएंगे। तो ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा, तो चलो मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। आपको ट्राई करके दिखा दिया है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पहनने के बाद ये कैसा लगने वाला है। तो अगर आपको पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें और वहां पे मैंने सबके कोड दिए हैं, आप परचेज कर सकते हैं। सो ये था आज का हॉल, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।